सरकार के आदेश के बाद धनबाद में भी बस का संचालन हुआ शुरू। बस मालिक ने पूजा कर बसों को किया रवाना। ICMR की गाइडलाइन को पालन करते हुए धनबाद के मॉल भी खुले, सभी का हुआ टेम्परेचर नाप और हैंड सैनिटाइज। अनलॉक 4.0 में राज्य सरकार द्वारा बसों के परिचालन को हरी झंडी मिलने के साथ मॉल, सैलून इत्यादि को भी खोलने की अनुमति प्रदान की गई। वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए ICMR की गाइडलाइन को सख्ती से लागू करने का भी निर्देश दिया गया। इसी के तहत आज से राज्य भर में जिलों में बसों का परिचालन शुरू हो गया, मॉल भी खुल गए। मार्च में पूरे देश भर में लॉकडाउन घोषित होने के बाद से धनबाद के बड़टार स्थित बस स्टैंड में पिछले 6 महीनों से खड़े बसों के पहिए अंततः आज से घूमना शुरू हो गए। बस मालिकों ने विधिवत पूजा अर्चना कर बस सेवा की फिर से शुरुआत की। वहीं शहर के मॉल और सैलून भी खुल गए। इस दौरान शहर के मॉल में ICMR देश और राज्य सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में एंट्री पॉइंट पर आने वाले ग्राहकों का सबसे पहले बॉडी टेम्परेचर नापकर हैंड सैनिटाइज कराकर ही मॉल में प्रवेश कराया जा रहा है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंस का खास तौर पर पालन किया गया दिखा। वहीं मास्क लगाना अनिवार्य किया गया और लिफ्ट हो या फिर स्केलेटर, दोनों में ही डिस्टेंस पालन करने के लिए चिन्ह बनाए गए ताकि इस पर चढ़ने वाले लोग भीड़ का हिस्सा ना बन सके। वहीं बसों के परिचालन शुरू होने से बस चालक एवं उससे जुड़े रोजगार करने वालों के चेहरे पर खुशी साफ साफ देखी गई। तो दूसरी ओर यात्री भी प्रसन्न मुद्रा में दिखे। हालांकि यात्री किराया बढ़ने का यात्रियों में थोड़ा मलाल जरूर दिखा। हम लोगों को न्यूज के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ही पता चला था कि हम लोगों का बस का संचालन झारखंड इंटर स्टेट में होगा। उसके बाद कल शाम में DTO साहब खुद आके इसका गाइडलाइन इशू किए हैं, जिसमें से बोले कि जो हम लोग का फुल कैपेसिटी है, मे बी अगर 50 सीट का बस है तो उसमें आप 25 पैसेंजर्स को ही सिर्फ ले जा सकते हैं। और इसमें उन्होंने ये भी किया है कि जो किराया होगा वो आज के रेट को देखते हुए, फ्यूल का दाम जो है और आने वाला जो कैपेसिटी को लेके जो रेट है उसी के आधार पे बोला गया है चार्जेस लेने के लिए। उसके बाद अभी जो भी गाइडलाइन आया उसको हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। रूट में अभी बसें आज से स्टार्ट हुई है, आज से जाने के बाद अब जो बसें आएंगी वापस वो इसी बस स्टैंड में सैनिटाइज किया जाएगा। उसको प्रॉपर वे से जो हम लोग है वो मास्क पहनेंगे, जो गाइडलाइन है, जो हमारी सरकार, जी हाँ खुशी की बात तो है ही क्योंकि इसी से हम लोग सब जुड़े हुए हैं। इससे एक वर्कर से लेके, एक ड्राइवर से लेके, एक खलासी, सब जुड़े हुए हैं। मेरे लिए जितनी खुशी की बात है उससे 2-4 गुना मेरे जो परिवार ही है, जो ड्राइवर है, कंडक्टर है, उनको 2 रुपये आएगा, उसके लिए हम लोग बहुत उत्सुक है और अच्छे सुचारू रूप से काम करेंगे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम रोशन कुमार हुआ, शिवगंगा बस। सवारी की संख्या क्या है? सवारी की संख्या डिपेंड करती है मेरी बस की कैपेसिटी पे। जैसे कि बहुत सारा बस है जिसमें 40 सीटें होंगी तो मे बी हम लोग 50% का ही लेके चल रहे हैं। पे अभी तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी प्रॉपर वे से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। अभी आज से जाने के बाद जब बसें चलेंगी रोड पे तो पब्लिक देख के फिर उसको उसी हिसाब से प्लान करेगा, अपना रूट प्लान या जो भी टूर प्लान। वहीं मॉल से जुड़े कर्मी भी फिर से रोजगार में वापसी कर खुश दिखे। एज पर सरकार का, गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है सर, उसके हिसाब से हम लोगों ने सारा तैयारी किया हुआ है। सबसे पहले जो भी कस्टमर आते हैं उनका टेम्परेचर नापा जाता है, ठीक है। उसके बाद उसको सैनिटाइजेशन किया जाता है और उसके बाद अगर वो लगेज लेके आते हैं तो लगेज का भी सैनिटाइजेशन हम लोग व्यवस्था रखे हुए हैं। उसके बाद साथ ही साथ हम लोग आइसोलेशन सेंटर भी बनाए हुए हैं, किसी का टेम्परेचर यदि हाई आता है तो वो थोड़ा देर आइसोलेट करके फिर मॉल में एंट्री कर सकते हैं। अगर नॉर्मल हुआ आइसोलेट हो गया 1 घंटा, अगर वो आइसोलेट हो के फिर आते हैं तो उसका नॉर्मल टेम्परेचर आता है तो फिर हम उसको, और अगर नॉर्मल नहीं होता है तो हम लोग लोकल जो अथॉरिटी है, ठीक है ना,
कोविड 19 का जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर फ़ोन करके हम लोग उसको इन्फॉर्म करेंगे, टीम आएंगे फिर उसको लेके आइसोलेट करेंगे, ठीक है ना। सरकार ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं दिया हम लोग को कि क्या टाइमिंग रखना है, एज पर स्टैंडर्ड जो टाइमिंग था मॉल का वो हम लोग अभी फॉलो कर रहे हैं। कब तक ऐसे? नॉर्मली हम लोग का 9 बजे ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है और 9 बजे क्लोजिंग हो जाता है। तो एज पर रिस्पॉन्स देखिए लगभग मोटा मोटी अभी तक का लगभग 400 से अपर कस्टमर आ चुके हैं। उसका रुझान तो बढ़िया है क्योंकि बहुत दिनों के बाद मॉल हम लोग को ओपन हुआ है, लगभग 5 महीने हो चुके हैं, ठीक है। आदमी के अंदर एक एक्साइटमेंट है कि कब मॉल खुले, हम लोग जाएँ मॉल के अंदर और मॉल की जो भी फैसिलिटी है वो फैसिलिटी ले सकते।